नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं बात करूंगा हार्ड ड्राइव केसिंग के बारे में। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये हार्ड ड्राइव केसिंग तो बहुत पुरानी चीज है और आप अभी एक्चुअली देखिए, मुझे बहुत सारे अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारे फ़ोन मुझे हेल्प के लिए आते हैं। ठीक है, मैं उनकी हेल्प तो करता हूँ, लेकिन जैसे अभी कुछ कुछ चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे मतलब खटकती है कि यार इतनी सिंपल सी ये चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या फिर वो उसके बारे में जानना नहीं चाहते, या फिर जब उनको ज़रूरत होती है तभी वो फिर उसके बारे में सर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब ये जो केसिंग है, इस केसिंग को एक तो ये ज़्यादातर मिलता नहीं है, बहुत जगह पे ये अवेलेबल नहीं होता क्योंकि इसका यूज बहुत ही कम होता है, लेकिन ये मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मिल जाता है। ठीक है, देखिए अब लॉकडाउन चल रहा है तो होता क्या है कि अगर मैं एवरेजली बात करूं तो 60% लोगों के पास अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है। ठीक है, यूज करने के लिए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये डेस्कटॉप का हार्ड ड्राइव है और डेस्कटॉप पीसी का हार्ड ड्राइव है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप पीसी है तो उसके अंदर आपको ऐसा हार्ड ड्राइव मिलेगा। ठीक है, ये जो होता है ये 3.5 हार्ड डिस्क इसे कहते हैं। ठीक है, और 3.5 इंच क्या होता है, ये जो साइज है 3.5 इंच ये हार्ड डिस्क होता है, और इसके लिए आपको चाहिए होता है केसिंग जिससे कि आप डेटा को निकाल सके। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, ये डेस्कटॉप हार्ड डिस्क केसिंग है। ठीक है, और ये जो केसिंग के अंदर आपको क्या करना है, ये जो ड्राइव है ये ड्राइव इंसर्ट करना है और उसके बाद आपका डेटा जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए अभी हम सबसे पहले तो ये जो केसिंग है इस केसिंग का अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा आप पहले हम वो देखेंगे और कैसे ये हार्ड ड्राइव को इस केसिंग के अंदर हमें इंसर्ट करना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं। तो ये जो केसिंग है अभी हम इस केसिंग का अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही काम की चीज़ है, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लगने वाला है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, देखिए इसके साथ ये एडाप्टर है जो कि इसका जो कन्वर्टर सर्किट जो होता है इसके लिए लगेगा, उसके साथ ये यूएसबी केबल मिलता है, उसके बाद कुछ स्क्रूज है जहाँ जिससे कि हम हार्ड डिस्क को फिट कर सके, और उसके बाद ये एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है छोटा सा। देखिए अभी इसके अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे ये सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यहाँ पे ये केसिंग है, ये सिर्फ केसिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये हाशिश हमें इसके अंदर ऐसे डाल देना है और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ठीक है देखिए ये जो होता है ना, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये केसिंग के अंदर चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे पावर देंगे। ठीक है, और पावर देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ये यूएसबी के लिए यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, और ये जाएगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और इस तरह से जो इसके अंदर का जो ड्राइव है उसमें से आप जो डेटा है वो आप आपके कंप्यूटर के अंदर दूसरे ड्राइव पे या फिर आप दूसरे यूएसबी ड्राइव पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, डेटा आपका जो है वो बचा सकते हो। ठीक है,
तो ये जो है इसका ऑनलाइन आपको ये कैसे आप परचेस करते कर सकते हो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जो लिंक है वहां पे जाकर आप परचेस कर सकते हो। और ये जो है ये सिर्फ आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए होता है, लैपटॉप के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। देखिए ये तो हो गया डेस्कटॉप हार्ड डिस्क के लिए, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप हार्ड डिस्क का यहाँ पे आपको बता दिया। लेकिन अभी जो है सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के लिए जो केसिंग लगता है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। उसके बाद आपका जो SSD है, SSD तो SSD का भी केसिंग का मैंने अपना पिछला वीडियो जो है वो SSD केसिंग के बारे में बनाया था। देखिए अब ये केसिंग के बारे में बनाने का जो रीज़न है वो सिर्फ लॉकडाउन का रीज़न है, क्योंकि लॉकडाउन में अक्सर हमें ये जल्द से जल्द हेल्प नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के रखे ताकि आपको लॉकडाउन में कोई भी परेशानी ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स।